विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है, उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये जरूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये दो सेक्टर्स खोले थे। पिछले एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं, 500 से भी कम हो गए हैं अब केसेस, 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है, उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। और हर HOD डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसर्स में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसर्स कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे।